सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मंत्री संजय निषाद ने यह बात कही है। मंत्री संजय निषाद का बयान यहां पर सामने आया, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत लगातार जारी है। जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को प्रशासन को जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया सब अपना काम इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हैं, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त भय मुक्त जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती का बयान सामने आया, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर मायावती का हमला, जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है। मायावती ने इस बात को कहा है, सपा सरकार का गुंडा राज जनता भूली नहीं है, सपा सरकार में माफिया दिनदहाड़े लूट मारपीट करते थे। तो मायावती का बयान यहां पर सामने आया है। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आवास कॉलोनी में दो चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लोगों का कहना है कि यहां पर लगातार अराजक तत्व और संदिग्ध लोग घूमते रहते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। लखनऊ में तीन मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद से करीब 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में जिंदगी तलाशने का अभियान चल रहा है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हैं। बिल्डिंग मालिक राकेश सिंगल के खिलाफ गैर रातन हत्या की धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है। मामले की जाँच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जल्द से जल्द जाँच कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग ढहने के मामले में 40 घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबे में जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिवारों की ओर संवेदनाएँ प्रकट की हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों के परिजनों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की राहत राशि का ऐलान भी किया है। तो वहीं CM योगी ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से कमेटी बना दी गई है जिसके अध्यक्ष गृह सचिव संजीव गुप्ता होंगे, आवास शहरी नियोजन विभाग के सचिव बलकार सिंह और PWD के चीफ इंजीनियर विजय कनौजिया इस कमेटी में शामिल होंगे। तो वहीं लखनऊ के कमिश्नर ने भी इस मामले को गंभीरता में लिया है। इसमें गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की एक टीम को जांच में लगाया गया है। वो यहां मौके पर पहुंचेगी और मलबे से जो तमाम यहां फॉरेंसिक ऑडिट करेगी, स्ट्रक्चरल ऑडिट करेगी और निर्माण की गुणवत्ता का पता लगाएगी। तो वहीं लखनऊ पुलिस ने इस बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। स्वागत है ब्रेक के बाद। मुरादाबाद में पुलिस ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां पर एक महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों से 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की एक कार भी जब्त की गई है। थाना सिविल लाइन्स इलाके से कार्रवाई की गई है।
एक गैंग को पकड़ा है जिसके 4 सदस्य हैं, एक महिला भी उसमें है, और उनके पोजीशन से 40 केजी गांजा इन लोगों ने अगवानपुर ओवरब्रिज के नीचे से पकड़ा है आज। और इसमें इनके विरुद्ध जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। बांदा में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिसंडा क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों ने मानस चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। रोड जाम की सूचना पाकर बिसंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। इस पर पुलिस ने जबरन लोगों को वहां से हटाया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर पुलिस ने जिला बदर अपराधी मोहम्मद हमीद को गिरफ्तार किया। डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत उसे जिला बदर कर दिया गया था, फिर भी वो चोरी छुपे शाहजहांपुर जिले में छुपकर रह रहा था। उधर तला जलालाबाद इलाके में पुलिस ने 2 वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मथुरा के बरसाना इलाके में कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर देर रात एक शख्स ने सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाला डॉक्टर है जो शराब के नशे में धुत था। मुरादनगर तुआई में लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम सोसाइटी में रात डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ तैनात गार्ड के साथ मारपीट की। गार्ड की हालत काफी गंभीर है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। महसी तहसील में देर रात भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया। बताया गया कि महिला अपने घर के आंगन में आई तो वहां पर घात लगाकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और पैर पर काट लिया। महिला के हाथ में उसका मोबाइल फोन था, जिससे उसने भेड़िए को मारा तो भेड़िए ने उसका पैर छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर ही जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद महिला ने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। शोर सुनकर महिला के घर वाले आ पहुंचे और भेड़िए को भगाया। भेड़िया ने पीछे से मेरे पैर पर वार किया था, फिर हमारे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल से हम उसको मारे थे तो कुछ दूर पर जाकर खड़ा हुआ था। उसके बाद वो पापा को अपने बोले तब वो भागा था। बच्ची केवल अंदर से बाहर गेट पे ही आई तो ही गेट पे उसको हमला कर दिया पैर में। आवाज़ उठाई, संघर्ष भी किया, उसके बाद आवाज उठाई, फिर दौड़ के आए तब तो भेड़िया ने भाग दिया जंगल में। वन विभाग की टीम आई थी, बाकी विधायक जी भी आए थे, BDO साहब भी थे, सभी लोग आए थे, देखे यहाँ पर जांच किए। रात में 12:30 बजे घटना घटी है। राम प्रताप पुत्री जो है प्रीति रात में घर से आंगन में आई और सोच के लिए शायद आई होगी, और आने के बाद जो है भेड़िया घात लगाए बैठा हुआ था, उसने जो है अटैक किया, लेकिन लड़की ने आवाज लगाई, उसके पिताजी मौके पर पहुंचे, उसके तब तक भेड़िया छोड़ के भाग गया था।